सो फ्रेंड्स, फाइनली तुम्हारा भाई लेकर आ गया है कूल गिटार, जो कि गाइस इधर आपको देखने मिलता रहेगा। गाइस ये वाला भी जो गिटार है, ये 38 इंच की ये वाली भी गिटार है, जो कि मैंने गाइस पिछले वाले वीडियो में डाला था, एक नया गिटार लेकर आया था। गाइस अगर अभी तक आपने उसका अनबॉक्सिंग नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप गाइस वहां से वॉच कर सकते हो। सो फ्रेंड्स चलते फाइनली इस गिटार की बात करते हैं। तो गाइस वो वाली जो गिटार थी, ये वाली गिटार दोनों सेम ही है, बट कलर में डिफरेंस है। इस बार तुम्हारे भाई ने बाय की है ब्लू कलर की गिटार, जो कि मैं जब इसको अनबॉक्स करूंगा तब आपको इजीली पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स ये 38 इंच की गिटार मुझे कितने में पड़ी और ये यूजफुल है कि नहीं, ये आपको लेना चाहिए कि नहीं, सो फ्रेंड्स सब कुछ आपको वीडियो में पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स चलते फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तब भी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन गाइस ऑन कर देना, इससे गाइस मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पे आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स चलते फाइनली अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था, तो पहले अनबॉक्स करते हैं। और गाइस अनबॉक्स करने से पहले ये चीज तो आप यूज करोगे, सो ये चीज यूज करते समय आपको एकदम से ध्यान से यूज करने का, अगर आप 18 के नीचे हो तो प्लीज आप बड़े लोग का सपोर्ट लेके ही इसको यूज करना। सो फ्रेंड्स चलते फाइनली इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के लिए तो गाइस इधर बहुत सारे दिए हुए, तो मैं इसको पहले फटाफट से कट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स फाइनली तुम्हारे भाई ने गिटार अनबॉक्स कर ली, इधर आपको गाइस देखने मिलता रहेगा ये साइड पे। पहले गाइस हम लोग बात कर रहे थे कि हमें इसके अंदर कौन से फंक्शन मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ और इसके अंदर से गाइस हमें देखने मिलता है ये कुछ, ये मिल जाते दो और प्लस बैक। तो पहले बैक की बात करूँ तो गाइस बैक का क्वालिटी आप ठीक ठाक बोल सकते हो, एक टाइम पे आप एवरेज बोल सकते हो। वैसे तो मुझे इसका बैक ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, बट सही है। तो गाइस बैक तो मुझे क्लासिक लगा, बट थोड़ा सा चलो ठीक है। तो गाइस बैक को करते हैं साइड में और फाइनली गाइस हमें दो चीज मिल जाता है। अब मैं दो चीज के बारे में आपको बताता हूँ कि ये वाला क्या है। सो फ्रेंड्स ये आपको मिल जाता है गिटार स्ट्रिंग्स, जो कि अगर आपका गिटार स्ट्रिंग्स गाइस अगर डैमेज हो जाता है तो आप इसको यूज करके वापस से यूज कर सकते हो गिटार को, अगर आपका गिटार डैमेज हो जाता है तब। और मैं अगर इसको खोल के दिखाऊं तो गाइस आपको कुछ इस तरीके का देखने मिलता रहेगा। सो ये मुझे मिल जाता है इसके अंदर कम से कम गाइस इसके अंदर 5 या 4 मिलते हैं हमें। सो इसको भी करते साइड में और ये चीज हमें देखने मिल जाता है गिटार सॉरी बैक का, हमें बेल्ट मिल जाता है जो कि उसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, बट अगर वो डैमेज हो गया या फिर कुछ हो गया तो आप इसको सिंपल से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड जल्दी पानी ले भी ये सब चीज को साइड में करते हैं और अब बता दो गाइस ये रहा हमारा गिटार और इसको भी एकदम क्लासिक पैकिंग दिया हुआ है गाइस। जैसे कि गाइस मैं हर प्रोडक्ट के बारे में तो आप लोग को बताता ही रहता हूँ कि मैं पहली बात तो उसकी पैकिंग के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर हमें पहला वाला मिल जाता है बबल रैपर, जो कि इधर आपको देखने मिलता रहेगा। बाद में इसके बाद गाइस आपको नॉर्मल सा पॉलिथीन बैग देखने मिल जाता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ और गाइस बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी, क्योंकि थोड़े हॉर्न से आते रहेंगे तो प्लीज आप लोग अवॉइड करना। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दिया कि इधर आपको बबल रैपर मिल जाता है और पॉलिथीन बैग मिल जाता है, जो कि गाइस ठीक ठाक, इससे स्क्रैच नहीं आता है। तो इसको भी करते साइड में और गाइस ये रहा ब्लू कलर का गिटार, जो कि गाइस आप लोग देख लो यार, आराम से देख लो, या फिर मैं इसका सिनेमैटिक भी डाल दूंगा वीडियो में, आप सिनेमैटिक भी इंजॉय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आपको इधर देखने मिल जाता रहेगा। और जो मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा था तो गाइस ये रहा वो स्ट्रिंग, अगर आपका स्ट्रिंग डैमेज हो जाता है तो आप इसको इजीली निकाल के लगा सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो फ्रेंड्स अगर इसके साउंड टेस्ट की बात करें तो साउंड की टेस्ट की बाद में बात करेंगे, पहले इसकी आपको बैक फंक्शन देखने मिलता रहेगा एकदम गाइस कूल और ये आपको गाइस एकदम क्लासिक देखने मिलता रहेगा। मेरे को तो गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। अगर आप गाइस अगर इसको पब्लिक क्राउडों के बीच में लेके जाओगे तो भाई नाम बन जाएगा तुम्हारा, मतलब कसम से यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। कलर भी गाइस का बहुत ही ज्यादा अच्छा है और तो गाइस इसकी अगर बात करें तो गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगा। तो चलते हैं गाइस की साउंड टेस्ट की बात करते हैं। वैसे तो गाइस मुझे इसको बजाना नहीं आता है, बट मैं आप लोग को थोड़ा इसका साउंड टेस्ट करा देता हूँ। और गाइस मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, जो कि हमें इसके अंदर से मिल जाता है, जो मैंने आपको सब बता दिया बट इसके बारे में नहीं बताया, तो मैं एक बार वापस से इसको निकाल के बता देता हूँ, जो कि हमें इसके अंदर मिल जाता है इसको बजाने के लिए हमें एक चीज दो चीज मिल जाती है, जो कि सॉरी गाइस मैं बताना भूल गया,
बट मुझे याद आया ये देखने मिलता रहेगा आपको तीन कलर्स में अवेलेबल है जो कि ये साइड पे आपको देखने मिलते रहेंगे। सो गाइस इससे आप लोग इजी तरीके से इसको बजा सकते हो। तो मैं भी आपको इसका साउंड सुनाता हूँ कि इसका साउंड कैसा है, और अगर आपको साउंड अच्छा लगा तो प्लीज मुझे फटाफट अगर कमेंट करना कि साउंड अच्छा है कि नहीं है। सो चलते लेट्स ट्राई साउंड ट्रैश करते। तो फ्रेंड्स आपको उसका साउंड कैसा लगा, और गाइस मुझे भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है यार, प्लीज मुझे एक बार सीख लेना चाहिए था अनबॉक्सिंग करने से पहले। बट गाइस तुम्हारे भाई ने ट्राई किया था, यूट्यूब पे मैं सीख भी रहा था, बट गाइस मुझसे नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं यार, मैं सीख लूंगा जल्दी से, और सीख लूंगा तो गाइस उसके ऊपर शॉर्ट्स वीडियो बना भी लूंगा। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा कूल गिटार। सो फ्रेंड्स बाकी सब तो आपको मैंने बता दिया कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। सो फ्रेंड्स अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको अमेजोन पे 2500 रुपीज में अवेलेबल है। बाद में अगर आप थोड़ा वेट भी करोगे तो आपको 2500 के नीचे भी देखने मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स वीडियो इधर स्टॉप करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके वहां से बाय कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना गाइस, इससे आपको मेरे वीडियो के ढेर सारे लिंक और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गाइस बाय।